नमस्कार, बीसीएन न्यूज की खबरें सुपर फास्ट में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। विश्व हिंदू परिषद ने शनिवार को संविधान चौक में वारकरी समुदाय के सदस्यों के साथ मिलकर भजन गाकर आंदोलन किया और मांग की कि राज्य सरकार पंढरपुर में वार्षिक वारी की अनुमति दे। महाराष्ट्र में एमएसजीडी सभी अपवर्जित उम्मीदवारों को अंतिम चयन सूची में शामिल करने के संबंध में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास पर युवा मोर्चा द्वारा भर्ती हुए युवाओं के साथ धरना प्रदर्शन किया गया। अवैध शराब बिक्री करने वाले दो आरोपियों को क्राइम ब्रांच यूनिट 3 के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों से कुल 1,07,000 रुपए का मुद्देमाल भी जब्त किया। हालांकि इस वक्त एक आरोपी भागने में कामयाब हो गया। शनिवार को बदलाव समिति के तहत मनपा की परिचारिकाओं और कर्मचारियों की ओर से आंदोलन किया गया। संविधान चौक पर हुए इस आंदोलन के दौरान उन्होंने मांग की कि मनपा द्वारा हमें वेतन नियमित दिया जाए। नंदनन पुलिस ने गश्त के दौरान संदिग्ध नजर आए 3 नाबालिग चोरों को धर दबोचा। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने 3 दोपहिया वाहन और सेनमरी से चुराए गहनों समेत 20,000 रुपए का माल जब्त किया। चंद्रकांत पाटिल के कथन को भलीभांति समझ लेना चाहिए, उनको जो कहना था वो आधा अधूरा ही समझा गया है, ऐसा वक्तव्य विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने किया। इस दौरान उनका कहना था कि मेरी दिल्ली यात्रा को किसी भी राजकीय गतिविधि से न जोड़ा जाए। शहर में पार्किंग प्रबंधन के संदर्भ में उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद नगर निगम ने हैदराबाद में अर्बन मास ट्रांजिट कंपनी को पार्किंग प्रबंधन और स्ट्रीट पार्किंग को डिजाइन करने की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके अनुसार कंपनी द्वारा तैयार की गई योजना को सदन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार 12 से 15 जुलाई तक सभी 10 जोन में प्रस्तुत किया गया था। शनिवार को बेलतरूरी पुलिस थाना अंतर्गत एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक पुलिस हवलदार को पिस्तौल का लॉक ठीक करना महंगा पड़ा। जब वह पिस्तौल का लॉक ठीक कर रहे थे तब ट्रिगर दबा, जिससे गोली निकली और वह उनके पैर को जाकर लगी, जिससे वो घायल हो गए। बीसीएन न्यूज के खबरें सुपर फास्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।